आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। कृतज्ञ राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 151वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर याद कर रहा है। इसके लिए देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं विजय घाट स्थित शास्त्री जी की समाधि पर सभी प्रमुख नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मंत्रों का अनुसरण करने और स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ़ और खुशहाल भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गांधी जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से देशवासियों को सत्य, प्रेम और मानवता की निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है। इधर प्रदेश में भी गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौहान ने इस अवसर पर भोपाल स्थित गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी भोपाल में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि महापुरुषों की जयंती के मौके पर नगर पालिका परिषद द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुरैना में राजनीतिज्ञों ने गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। होशंगाबाद में गांधी चौक स्थित बापू की प्रतिमा पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, वरिष्ठ नागरिकों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। झाबुआ में कांग्रेस द्वारा गांधी जयंती मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इंदौर, जबलपुर, पन्ना, श्योपुर, दतिया, सतना, सीधी सहित विभिन्न जिलों में दोनों महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को पहली और अंतिम बार आकाशवाणी आए थे। उनके आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में आने की स्मृति में 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यहां उन्होंने बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बसे विस्थापितों से बातचीत की थी। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, फिर कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की दर 83% के करीब पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 के आसपास बनी हुई है। राजधानी भोपाल में आज 322 तो वहीं इंदौर में 495 नए संक्रमितों का पता चला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगर विधानसभा और उप निर्वाचन को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी है। सतना जिले के चित्रकूट में लगने वाला 5 दिवसीय दिवाली मेला स्थगित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।